हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मुसीबत हर किसी इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन हर इंसान मुसीबत का अलग अलग तरीके से सामना करता है और अलग अलग रिजल्ट को प्राप्त करता है। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनको गुरुकुल में बड़े बड़े महाराजाओं के पुत्र से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण होने जा रही थी और सभी उत्साह के साथ अपने घर लौटने के लिए तैयारी कर रहे थे कि तभी रिसीवर की तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ी और उन्होंने कहा कि सभी मैदान में एकत्र हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा किया। रिसीवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी। इसमें अनेकों बार आपको कूदना पड़ेगा, पानी में दौड़ना पड़ेगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो सब तैयार हो गए और हाँ कहकर सभी ने स्वर लगाया कि हम सब तैयार हैं। और उस ऋषि ने दौड़ शुरू होने का आदेश दिया और दौड़ शुरू हो गई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुँच गए। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे जिनके चुगने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। तो सभी सोच रहे थे कि अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। तो सभी ने ऐसे तैसे करके दौड़ खत्म कर दी और सभी रिसीवर के पास पहुंच गए। तो रिसीवर ने कहा, पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया, ऐसा क्यों? यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। तो ऋषि ने कहा, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे पत्थर दिखाए। तो आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या था, जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे दरअसल वे हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और सभी रिसीवर की तरफ देखने लगे। तो रिसीवर बोले, मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देख कर आश्चर्य में पड़ गए हैं। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में सबसे समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में दूसरों के बारे में सोचता है और भला करने से बिल्कुल चूकता। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करने वाले हैं उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी मत भूलेगा, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।